तो यार टाइटल को देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं बांदी के रिव्यूज जो है वो ऐसे में डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, और डिसकंटिन्यू करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो आप लोग खुद हो, क्योंकि आप लोग खुद ही किसी ड्रामे को बहुत ज़्यादा वोट दे के उसको सिलेक्ट पहले करवाते हो और बाद में फिर आप लोगों को लगता है कि ये ड्रामा अच्छा नहीं है। फिर इतना सारा क्रिटिसिज्म मुझे सुनने को मिलता है कि मैं इस ड्रामे के ऊपर रिव्यू क्यों कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं इसके ऊपर रिव्यू करूँ। अब जैसे कि मुझे आजकल बहुत ज़्यादा ये सुनने को मिल रहा है कि मुझे बांदी के ऊपर रिव्यू नहीं करना चाहिए, मुझे उसकी जगह सेलेक्ट करना चाहिए खुदपरस्त को। अब ऐसे में खुदपरस्त को आप लोगों ने खुद ही हरा दिया बाबा जानी के अगेंस्ट वहां पर डेफिनेटली, क्योंकि खुदपरस्त जो ड्रामा लगता है वो बाबा जानी की टाइमिंग है उसकी, मतलब सैटरडे को वो ड्रामा लगता है, तो अगर सैटरडे को मैं उसके ऊपर रिव्यू करूंगा तो वो मैं संडे को आपको मॉर्निंग में बाबा जानी का रिव्यू दे सकूंगा। बाबा जानी का जो रिव्यू है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट संडे से, मतलब नेक्स्ट संडे को पहला उसका रिव्यू आएगा, मैंने डेट मेंशन की थी 21 को। अब या तो हम बाबा जानी सेलेक्ट कर सकते थे या हम खुदपरस्त सेलेक्ट कर सकते थे। अब बहुत सारे लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मुझे खुदपरस्त के ऊपर भी रिव्यू करना चाहिए, तो बाबा जानी तो अब जैसे कि ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया, तो मेरे लिए काफी मुश्किल है ये चीज देखना कि क्या खुदपरस्त को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं बाबा जानी के ऊपर भी रिव्यू कर लूं और खुदपरस्त के ऊपर भी कर लूं। तो अब बहुत सारे लोग मुझे ये सजेशन दे रहे हैं कि मुझे बांदी को रिमूव कर देना चाहिए और उसकी जगह खुदपरस्त का रिव्यू कर देना चाहिए। अब ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बांदी की एपिसोड लगती है फ्राइडे को और खुदपरस्त की एपिसोड लगती है सैटरडे को, तो वो मैंने अपने स्केड्यूल को भी देखना होता है कि किस तरीके से मैं चीजों को एडजस्ट करता हूं। अब चूंकि आप लोगों को बांदी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, तो एक बात तो कंफर्म है कि मैं बांदी के ऊपर अब मजीद रिव्यूज नहीं करने वाला। हमारे पास बची यहां पर फ्राइडे की स्लॉट। आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में यह बता दो कि फ्राइडे को ऐसा कौन सा ड्रामा लगता है जो आपकी नजर में बांदी से ज्यादा बेहतर है, या कौन सा ऐसा ड्रामा आने वाला है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये कमिंग ड्रामा है और ये फ्राइडे को लगेगा, इसकी डेट भी लॉन्च हो चुकी है और ये बांदी से ज्यादा बेहतर है, वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि मैं उसको जो है वो रिव्यूज के लिए स्केड्यूल कर सकूं। और ऐसे में यार आप बहुत सोच समझ के वोटिंग किया करो, क्योंकि बाद में मेरे लिए काफी मुश्किल होता है चीजों को मैनेज करना। एक दफा आप लोग चीज पहले सेलेक्ट कर लेते हो, यहां पर आपको याद होगा कि आपने कितने अच्छे मार्जिन से बांदी को पहले जितवाया था और बाद में आपको ड्रामा पसंद नहीं आया, ठीक है, अंडरस्टैंड, बट थिंग इज के काफी मुश्किल हो जाता है चीजों को फिर बाद में चेंज करना। तो इसलिए वोट करते हुए काफी ज्यादा ध्यान रखा करो। बहुत सारे ऐसे ड्रामास होते हैं मतलब जिनके ऊपर मैं रिव्यूज नहीं करना चाहता, मतलब मुझे खुद से वो ड्रामे अच्छे नहीं लगते, लेकिन चूंकि आप लोगों की तरफ से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आती है इसी वजह से मुझे उन ड्रामास के ऊपर रिव्यूज करना पड़ जाता है। जैसे कि आपने मेरी लेटेस्ट वीडियो देखी है जहां पर मैंने आपको टॉप 5 ड्रामास बताए हैं, उनमें 2-3 ड्रामास ऐसे भी थे जो कि मैंने ड्रामा सारे देखे हैं लेकिन मैंने रिव्यूज इसलिए नहीं किए क्योंकि आप लोगों ने वोट कम किया था या वो थोड़े मार्जिन से हार गए थे। तो ऐसा बहुत दफा होता है कि मुझे ड्रामा कोई और पसंद होता है, आप लोग किसी और को वोट करते हो, तो वोट यहां पर आपके वोट की वैल्यू है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा पूरा जो मुल्क है वो इमरान खान की हुकूमत के बाद बिल्कुल मेरिट पे आ गया, तो हमारा चैनल तो शुरू से ही मेरिट पे है। यहां पर जिस ड्रामे को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसी ड्रामे के ऊपर रिव्यूज होते हैं, तो आपको ऐसे जरूर देखना है कि आपने किस ड्रामे को वोट करना है। वोटिंग कहां पर होती है, बहुत सारे लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि नोमान भाई वोटिंग आप कहां पर करते हैं, तो वोटिंग होती है पहले नंबर पर मेरे ग्रुप के अंदर, जो मेरा ऑफिशियल ग्रुप है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करें, वहां पर भी वोटिंग होती है। और दूसरे नंबर पर यूट्यूब का जो कम्युनिटी टैब है, अगर आप मेरा यूट्यूब का चैनल खोले और कम्युनिटी टैब के ऊपर आएंगे तो वहां पर वोटिंग होती है, मतलब जो भी ड्रामा की वोटिंग होनी होती है यहां से बहुत सारे वोट मिलते हैं। इन दोनों वोट्स को कंपाइल किया जाता है, ग्रुप्स के वोट को और कम्युनिटी के वोट्स को, उसके बाद मैं देखता हूं कि ज्यादा वोट्स जिसके होते हैं वो ड्रामा रिव्यूज के लिए सिलेक्ट हो जाता है। तो फ्राइडे के लिए हम कौन सा ड्रामा सेलेक्ट कर सकते हैं नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके बाद मैं एक नया पूल क्रिएट करूंगा, वहां पर हम अगेन से वोटिंग करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम फ्राइडे को किस ड्रामे को सिलेक्ट करते हैं। एक दो नए ड्रामे भी आ रहे हैं, ऐवान ड्रामा मेरे ख्याल से, और एक दो और भी बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे हैं, उनकी भी डेट्स हम देख लेते हैं कि वो किस डेट को आएंगे, फिर काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए सिलेक्ट करना कि हमें कौन सा ड्रामा सिलेक्ट करना चाहिए। तो जल्दी से बता दो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपने बांदी को क्यों नहीं सिलेक्ट किया और खास तौर पे बांदी की जगह किस ड्रामे को आप देखते हो। सिनेरियो मैंने सारा आप लोगों को क्लियर कर दिया कि यहां पर हम खुदपरस्त को फ्राइडे के लिए इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि खुदपरस्त की एपिसोड लगती है सैटरडे को, ऐसे में एक वीक के बाद तो उसका रिव्यू नहीं आ सकता ना, डेफिनेटली हमें यहां पर क्विकली रिव्यू देना होता है, जैसे ही एपिसोड आया उसके फौरन बाद हमने रिव्यूज देने होते हैं। तो अब आप लोग मुझे ये देख के बताओ कि आपने अगर बांदी का रिव्यू नहीं देखना तो इसकी जगह आपने किस ड्रामे का रिव्यू देखना है।